दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया और कब किया, कैसे किया? यानी टेलीविज़न के बारे में बहुत लोग नहीं जाने हैं, तो मैं बता दूं कि टीवी यानी स्मार्ट टीवी हो, चाहे एलईडी टीवी हो, चाहे आपके मोबाइल पे चल रहा हो टीवी हो, तो आज इन्हीं सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं RR कम्युनिकेशन। तो वीडियो को लेट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टीवी का आविष्कार किसने किया। जॉन लॉगी बेट ने सबसे पहले टीवी का आविष्कार किया, यानी टेलीविज़न सबसे पहले इन्होंने ही इस चीज़ का आविष्कार किया। और ये 1924 की दशक में ही ये टीवी का आविष्कार इन्होंने कर दिया था। मगर मैं बता देना चाहूँगा कि ये इंडिया में नहीं आता था टीवी, लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि टीवी होता क्या है। फिर भी टीवी को जॉन लॉगी बेट ने टीवी को आविष्कार कर दिया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 1940 के दशक में कलर टीवी भी आ चुका था, यानी 1924 में टीवी का आविष्कार किया गया, उसके बाद 1940 में कलर टीवी आया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि मार्केट में 1940 में किसी को टीवी देखने को नहीं मिला, यानी मार्केट में टीवी नहीं बिकती थी 1940 में, यानी कलर टीवी कोई नहीं जानता था कि कैसा होता है। 1946 के दशक में मार्केट में टीवी कलर टीवी मिलना स्टार्ट हो गई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 1946 में या 1940 में या 1924 में टीवी कोई जानता ही नहीं था कि टीवी होता क्या है। 15 सितंबर 1959 में सबसे पहले दिल्ली में ही ये चीज़ दिखाई गई और उसमें सबसे पहला चैनल था ZTV। तो सबसे पहला शो कौन सा था जो टीवी पे दिखाया जाता था? वो था सबसे पहला गांधी जयंती। गांधी जयंती एक ऐसा शो था जो सबसे ज़्यादा लोग देखते थे और सबसे पहला शो इंडिया में पहली बार दिखाया गया और भी दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली में ही देखा गया इस चीज़ के बारे में। उसके बाद कई देशों में, कई शहरों में, 7 शहर में टीवी पहुंची और 7 शहर में टीवी को देखने को मिला। सभी 7 शहर में टीवी को देखने को मिलता था। बल्कि मैं बता दूं कि उसमें टीवी लोग किसी के पास अगर मिल गया या किसी के पास देखने को मिल गया तो उससे बहुत बड़ा आदमी है, क्या बात है। और आज के डेट में हर किसी के पास टीवी है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि दूरदर्शन फ्री चैनल होता था जिसका कोई भी शुल्क नहीं लगता था। अभी डेट में दूरदर्शन को भी अगर आपको देखना है तो उसके भी चार्ज लिए जाते हैं, मगर अभी कोई दूरदर्शन का चैनल नहीं देखना पसंद करता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडिया में चैनल हैं जो ज़्यादातर दूरदर्शन को पीछे कर दिया है। आपको जान के हैरान होगा कि जब टीवी आया तो उसमें रिमोट नहीं था, जो रिमोट आज के डेट में हम अपने मोबाइल से या अपने रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हैं, वो उसमें नहीं आया था। और उसमें बिना रिमोट के टीवी को बहुत ही आसान तरीके से लोग देखा करते थे और काफ़ी इंटरटेनमेंट लेकर देखा करते थे। खासकर अगर कहीं टीवी लग जाए तो काफ़ी लोगों की भीड़ लग जाती थी। और ये तो करीब आपको 2002 या 2005 तक भी देखने को मिला है, जब क्रिकेट कहीं चल रहा हो किसी दुकान पे तो लोग भीड़ लगा के क्रिकेट देखा करते थे। फिलहाल अभी की तो बात करें तो टीवी तो अभी लोगों के मोबाइल पे हो गई है, ज़्यादातर तो लोग मोबाइल पे या देखना पसंद करते हैं इंटरनेट की सुविधा के जरिए। फिर उसके बाद जब टीवी आ गया तो लोगों का ध्यान गया कि भाई टीवी को कंट्रोल करने वाला भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इजोन पॉली ने, यानी इजोन पॉली ने रिमोट का आविष्कार किया। उसके बाद लोगों को और भी ज़्यादा आसान हो गया टीवी देखना और काफ़ी दूर के डिस्टेंस से लोग टीवी को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाते थे और टीवी को बहुत ही आसान तरीके से देख पाते थे। तो इजोन पॉली ने रिमोट का भी आविष्कार किया और उसके बाद लोगों को टीवी देखना और भी आसान हो गया। और धीरे धीरे आने वाला समय भी और भी धीरे धीरे टीवी आसान होते गया और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते गया, बहुत ही सिंपल भी होते गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट टीवी पे देने लगे और काफ़ी सीरियल्स भी बनने लगे। और अभी के डेट में तो कह नहीं सकते कितने सारे सीरियल्स, कितने सारे चैनल्स दिखाए जाते हैं चैनल पे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका 1928 में ही टेलीविज़न पे काफ़ी स्टेशन वगैरह पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके मुकाबले में आज टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, हर चीज़ में भी आगे है और इस देश में टॉप कहलाता है इसी की वजह से, क्योंकि वो हर चीज़ को सबसे पहले करने की कोशिश रखता है और वो किया है। इसके मुकाबले में वो आज दुनिया के टॉप लिस्ट में जाने जाते हैं।
आपको जान के ये बात हैरान होगी कि 15 सितंबर 1959 में टीवी तो आया, लेकिन काफ़ी दिनों तक लोगों को कलर टीवी देखने को बहुत ही कम मिला। यानी 1982 के दशक में इंडिया में कलर टीवी देखने को मिला, बल्कि कलर टीवी 1946 1940 के दशक में ही हो चुकी थी, मगर मार्केट में 1946 में आई, मगर इंडिया में आते आते 1982 में कलर टीवी देखने को मिला और लोगों को और भी ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिला। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के प्रिंट मिले, जो कि अभी की मामले में अगर हम बात करें प्रिंटों की, तो काफ़ी पहले के बाद से और अभी के बाद से काफ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस है चीज़ों से। तो उस समय के कलर टीवी भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, और अभी के जो कलर टीवी है लोग घर में बैठ के अकेले देख लेते हैं। पहले कलर टीवी जब पहली बार आया था तो कई लोग बैठ कर देखते थे उसको, जिसका मुकाबला हम अभी नहीं कर सकते हैं। और उसमें इंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा होता था, लोगों के बीच में बैठ के देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, हालात बदलते गए, चीज़ें बदलते गई। 1982 बीत गया, 1990 आ गया, और अभी आ गया 2019। और अभी टोटल मिला के पूरे देश में कम से कम सभी घर की अगर हम बात करें तो 1.4 मिलियंस सभी घर में टीवी पहुंच चुकी है। और अभी के डेट में एलईडी स्मार्ट टीवी वगैरह काफ़ी आसान तरीके से मोबाइल से भी कंट्रोल अप कर पाते हैं रिमोट के ज़रिए, और टीवी का चीज़ मोबाइल में, मोबाइल का चीज़ टीवी में कनेक्ट करके लोग बहुत ही आसान से देख पाते हैं। और कहीं भी बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मोबाइल पे भी लोग टीवी देख पा रहे हैं। कमाल की बात है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में अभी के डेट में हम पहुँच चुके हैं, और सभी के घर में, छोटा हो बड़ा हो, सबके घर में आज के डेट में टीवी है। बल्कि पहले के ज़माने में अगर टीवी किसी के घर में मिल जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात होती थी, और लोग काफ़ी इम्प्रेस होकर उसके यहाँ जाते थे और उसकी इज्जत करते थे। आपको ये बात भी जानकर हैरान होगे कि पूरे देश में कुल चैनल 27,831 चैनल देखे जाते हैं, बल्कि इंडिया के मुकाबले में इंडिया में टोटल चैनल 902 चैनल है, जो लोग बहुत पसंद आते हैं। बहुत उर्दू होते हैं, बहुत बंगाली होते हैं, बहुत पंजाबी होते हैं, कई सारे चैनल भरे हैं। ऐसे ज़्यादातर हमारे इंडिया में हिंदी चैनल ज़्यादा देखा जाता है और उन चैनलों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, जी न्यूज़ और जी चैनल, जू के बहुत सारे सीरियल्स, और कई ऐसे एंटरटेनमेंट, एबीपी न्यूज़ और जी टीवी और आज तक, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको मिला के, कुल मिला के लोग ज़्यादा पॉपुलर चैनल हैं। और इनको, इनके लिए आप बहुत डेली देखा करते हैं, या तो आपके सीनियर्स लोग या जूनियर्स लोग या कार्टून नेटवर्क, बहुत सारे चैनल हैं। कुल मिला के 902 चैनल ऐसे है इंडिया में जो कि देखे जाते हैं। उसमें से कुल मिला के बहुत सारे चैनल काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, और आप भी बहुत सारे चैनल पसंद करते हो। आपको कौन चैनल पसंद है कमेंट करके बताना। और आपको एक बात जान के बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी कि आज की डेट में लोग मोबाइल पे ज़्यादा टीवी देखना पसंद करते हैं और अकेले ज़्यादा इंटरटेनमेंट लेना पसंद करते हैं। यानी अगर आप किसी दोस्तों के बीच बैठे हो, या फैमिली के साथ बैठे हो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, तो ऐसे में लोग, सभी लोग ज़्यादातर मोबाइल से ही चिपके होते हैं और या तो न्यूज़ देख रहे हैं, या तो सीरियल देख रहे हैं, या तो गेम खेल रहे हैं। तो आज की डेट में टीवी पीछे हो रहा है और मोबाइल आगे जा रहा है। तो हम अगली वीडियो भी आपको मोबाइल के बारे में भी बताएंगे और बहुत सारी जानकारी देंगे मोबाइल के बारे में, और जिस तरह से हमारे आने वाला फ्यूचर है और देख रहे हैं जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से टीवी हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। लोग घर पर बैठ के टीवी ना देखें, जब मर्जी कहीं भी गए और मोबाइल कनेक्ट किया, मोबाइल नेट से कनेक्ट किया, घर बैठे टीवी और मोबाइल बैठे टीवी आराम तरीके से देख पा रहे हैं। और पहले के मुकाबले में टीवी की बात करें तो लोग भीड़ में बैठ के देखते थे, भीड़ लगा के गौर से देखते थे, काफ़ी मज़ा आता था। बहुत सारे चीज़ होते थे कि वहाँ टीवी चल रहा है तो लोग वहाँ से भगा देते थे कि भाई तुम मेरे यहाँ क्यों टीवी देख रहे हो, तुमको जाओ। बहुत लोग पैसा लिया करते थे टीवी देखने का। और अभी के मुकाबले में भाई कह नहीं सकते हैं कि सभी छोटा छोटे बच्चे के पास मोबाइल है और सभी के मोबाइल पे टीवी है, इंटरटेनमेंट की चीज़ है, जहाँ तक कि यूट्यूब चैनल है, जो अभी आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और टीवी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा टीवी के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है चैनल को लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे, और अगले वीडियो
कमेंट करके पूछना इसके बारे में आपको जानकारी पसंद आती है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।